इसमें मुझे ए इनवर्स चाहिए, इस मैट्रिक्स का इनवर्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इस मैट्रिक्स को मैं ए के इक्वल मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 -3, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 2। अब पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहां से डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 13। अब देखिए, अब जो हमारा एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाएगा, देखिए एडजॉइंट ए, ये जो यहां वाले जो टर्म्स हैं इनमें क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे ये आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -1 इधर आ जाएगा, और यहां वाले टर्म्स में साइन चेंज होगा। यहां पर -3 दिया हुआ है तो ये +3 हो जाएगा, और 5 दिया हुआ है तो ये -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडजॉइंट ए आ गया। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स हमारा होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो यहां से ए इनवर्स इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 1/13, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 3 -5 -1। तो बस ये हमारा आंसर है।